गोड्डा में 20 सूत्री बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कस्तूरबा विद्यालय सहित कई मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान गोड्डा और पुड़िया हाट विधायक ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चल रहे हेराफेरी का मामला उठाया, जिसका जवाब मंत्री के स्थान पर उपायुक्त ने दिया। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी सह कृषि मंत्री रणधीर सिंह कर रहे थे। पहले जो मीडिया में खबर आई थी कि कोई नक्सली हमला कर मतलब आके बच्चे उठा के लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। कस्तूरबा के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी तरह का कोई नक्सली अटैक किसी कस्तूरबा में जिले में नहीं हुआ। या जो एक बच्ची की बात आ रही है, इसमें भी मूल मुद्दा यही है, विधायक जी ने बहुत सही कहा कि आपसी कलह के कारण किसी तरह से इस चीज़ को फिर से एक गर्माहट रहे मुद्दे को बार बार सामने लाया जाए, उस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जिले की बिजली व्यवस्था, सड़क, पेयजल और किसानों की समस्या पर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।